नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय कुमार जी, जो सिप्रासन के विशेष काउंसलर हैं, और उनसे बातें करेंगे। और विशेष सरकारी ऑफिस में उन्होंने काम किया है, और ख़ास उनका जो हॉबी रहा है फिल्म और एडिटिंग में उनको मास्टरी हासिल है, और उन्होंने उन चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक किया है, और साथ ही साथ एक अच्छा जीवन का अनुभव है। आज उनसे बात करने वाले जीवन दर्शन के बारे में। जीवन जो है हम जीते हैं, और एक हमारा जो है जीवन का, अगर हम दार्शनिक को समझे या जीवन का जो लाइफस्टाइल है उसको समझे, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है, और हम बेहतर तरीके से लोगों के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ में हमारे शिव पूजन राम जी हैं, और वो भी पेशे से जो है विशेष व्यक्ति हैं, उनसे जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए मैं सीधे आपको जोड़ना चाहूँगा संजय जी से। बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। संजय जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी 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 जी, अच्छा लगा आपको सुनकर। और आपने जिस तरह से कहा कि जीवन दर्शन पे हम लोग जो है बातचीत करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है कम्युनिटी रेडियो में या तो किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं या किसी जीवन के बारे में बात करते हैं, लेकिन दार्शनिक पे जो है कम बातें होती हैं। तो निश्चित तौर पर आपसे बातें सुनकर जो है हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में ही बताएँ हमें। जी, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं इंदिरापुरम सिप्रासन सिटी वार्ड 100 से काउंसलर हूं बीजेपी से। इससे पूर्व मैं मीडिया में कार्यरत था, और जी न्यूज़, स्टार न्यूज़, टाइम्स नाउ, यूटीवी, इन तमाम चैनलों में मैंने काम किया। अभी विगत कई वर्षों से समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूं, और जैसे कोरोना महाकाल आया, और जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम मणिपुर से लेकर कक्ष तक के सभी लोग रहते हैं। तो सभी जगह के लोगों के जीवन शैली को देखने का, उनके विचारों को देखने समझने का, और सुख दुख में खड़ा होने पर उनके दर्द और उनकी खुशी को एहसास करने का एक अच्छा अनुभव मैंने समाज से सीखा है। जी 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 जी, संजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो एक तो वैसे भी आपको पब्लिक की जो जानकारी है वो तो है ही है, लेकिन फिर काउंसिलर आप बने बीजेपी के थ्रू, तो जब आप पोस्ट पे जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका देखने का, आपके ऊपर लोगों का एक अलग जो है विश्वास बन जाता है कि अपना काम हो जाएगा। तो इस तरह की कई चीज़ें आपने देखी होगी, तो एज ए मीडिया पर्सन और एज ए काउंसिलर दोनों जो भाव है वो अलग हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या महसूस किया? जब आप मीडिया पर्सन रहते हैं तो आपका काम है समस्याओं को उठाना और समस्याओं को पहुंचाना और समस्याओं को प्रकाशित करना, ये आपका मूल कर्तव्य हो जाता है। और जब आप एक पद पर आते हैं तो उस समस्याओं को उठाना आपका कर्तव्य नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, जी, जी, जी। आपको जो समस्या है आपको समाधान का हिस्सा बनना है। हाँ। भले ही विषम परिस्थिति हो, वो परिस्थितियां आपको सपोर्ट नहीं कर रही हो, फिर भी आप आंसू नहीं बहा सकते हैं, बहते हुए आंसू को पोंछकर मुस्कुराहट लाने का कार्य कर सकते हैं, यही आपकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक जैसे आपने कहा कि एज ए मीडिया पर्सन आप संदेश वहां तक पहुंचा देते थे, प्रकाशित करते थे, अब देखिए एज ए आप एक पोस्ट पे आ गए हैं तो समस्याएं आपके पास भी आ जाती हैं, और प्रकाशन वाले प्रकाशन करके न्यूज़ जब चलाते हैं तो उन्हें देखते हुए आप उनके लिए क्या बेहतर करने की कोशिश करते हैं, किस तरह की? देखिए, मैं एक बात समझता हूँ। जी जी जी, आपको ये बात नहीं सोचना है कि आपके अंदर ये काम संभव है या नहीं। जब आप सामाजिक प्राणी हो जाते हैं, जब आप समाज के हो जाते हैं, तो आपका सुख दुख, उठना बैठना, खाना पीना, जीवन शैली सब समाज के लिए समर्पित होता है। और जब ये समाज के लिए समर्पित होता है तो सिर्फ शब्दों से समर्पित नहीं होता, आपको कर्तव्यों से भी, कर्मों से भी समर्पित होना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी जिम्मेदारी का एहसास होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि जैसे भी जिस भी तरह का समस्या अगर लोग बता रहा है, अगर मेरे हाथों से इसका समाधान संभव नहीं है तो जिस भी हाथों से संभव है उस हाथों तक हम पहुंचे और उसके हाथ से ये कार्य को करवाएं, क्योंकि जनता और
कहने का मतलब है समस्या समाधान और जनता, इसका एक मूल कड़ी एक जनप्रतिनिधि होता है और उस जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बखूबी निभाना चाहिए, चाहे वो जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, काफ़ी अच्छा आपने बताया कि जब भी समस्या हमारे बीच में आ जाती हैं तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास भी रहता है और एज ए जन प्रतिनिधि हमें जो है उन चीज़ों को समझना है और वो जहाँ से संभव हो वहाँ से उसे संभव करके दिखाना है। तो निश्चित तौर पे एक जन प्रतिनिधि का यही कार्य होता है, लोगों की समस्याओं को सुनना, उसे समाधान कारक जवाब देना। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक में गीत सुनते हैं। मैं संजय जी को ही कहूँगा क्योंकि वो फिल्म और एडिटिंग में काफ़ी काम किया है, तो एक आध हिंदी गीत जो आपके दिल के करीब हो एक लाइन गुनगुना दीजिए। फिल्मी कोई भी गाना, कोई भी चलेगा। हाँ, मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। धन्यवाद। चलिए संजय जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और पुराना गीत है, बड़ा अच्छा है। ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और इसी फिल्म से वो सुपरस्टार भी बन गए थे। तो आइए बॉबी फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। शायर तो नहीं मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं, प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो
सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा, मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना और इसी के साथ आइए मैं फिर से जोड़ना चाहूँगा संजय जी को। और संजय जी, जैसे कि उन्होंने बताया अपने जीवन में, अब दार्शनिक की बात हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोग जीवन जीते ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं बार बार उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है या बताना पड़ता है। बच्चे हैं तो उनको बताना पड़ता है माता पिता को कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और अभी के समय में हम लोग जहाँ पर टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और उसमें अगर हम दर्शन की बात करें तो ये कैसे सटीक बैठता है और जीवन दर्शन से आपका तात्पर्य क्या है? देखिए, सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जी 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 जिसने सदैव टेक्नोलॉजी को दर्शन से जोड़ा है। अगर आप देखें उस समय में हम तीर से मारते थे और उधर से तीर मारा जाता था रावण के तरफ से और वो तीर आपस में टकराकर अग्नि वर्षा हो जाती थी ऊपर में। बिल्कुल, भगवान शिव कहते थे कि मैं तुम्हें ये अस्त्र कभी नहीं दूंगा, अगर ये अस्त्र चला दिए तुम तो पूरे ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, ये हम उस जमाने में तीर धनुष के माध्यम से अस्त्र शस्त्र की पढ़ाई करते थे। और समझिए, ये लाखों साल पुरानी किताब है हमारी, हजारों साल पुरानी किताबें हैं, ग्रंथ है जिसको हम पढ़ते हैं। अब आज के युग में आप आइए, आज के युग में आप आइए तो आप देखेंगे कि अर्थ टू अर्थ मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, ये सब हैं क्या चीज़? यही तो है। अब आप देखिए कि उस जमाने में हमारे संस्कृति ने कहा था मंगल ग्रह है, वहाँ तो कोई आदमी गया नहीं था उस वक्त। हाँ, ऐसी हाँ, कोई अभिलेख मिलती तो नहीं कि कोई आदमी गया होगा जी, जी, लेकिन जी, हमने मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शनि है, सोम है, ये सब की परिकल्पना हमने तभी कर ली थी। और हमने उसके हिसाब से ऐसे ग्रह नक्षत्र बनाए थे और एक किताब छपी थी कि इस काल में ये खंड होगा, इस काल में, और ये सब देखिए धरती पे बैठ के हुआ था। और आज हमारा टेक्नोलॉजी उस जो ये कल्पना की गई थी, जिसको लोग समझते होंगे कि क्या ये बेवकूफों वाली बात कर रहा है, उस चांद पे पहुंच रहा है, उस मंगल पे पहुंच रहा है, उस बुध पे पहुंच रहा है। अभी आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि हमारे शास्त्रार्थ में कहते हैं कि अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आप जो है सो केले की पूजा कर लीजिए। अब हमने विज्ञान को यहाँ तक बना दिया, खुद हमने स्वयं अपने मंदिर में हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि अगर हमने क्या किया कि सेटेलाइट के माध्यम से 9 ग्रहों को जो ऊपर में है अभी, जो अपने सौरमंडल में घूम रहा है जी, जी, उस ग्रहों को हम सेटेलाइट के माध्यम से डिकोड करके रिसीवर लगाकर उसको हम जो है सो अपने स्क्रीन पर ला रहे हैं। और हम कहते हैं तुम्हें केला की पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसके रूप की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं सेलेक्ट करो कंप्यूटर पर मंगल ग्रह, उसकी पूजा कर लो, संस्कृत श्लोक से कर लो, यही तो ग्रह नक्षत्र है। विज्ञान और सनातन दर्शन कभी भी अलग नहीं हुआ है। हम पीपल को कहते हैं पूजा करो, पीपल में पानी डालो, हम क्यों कहते हैं मालूम है आपको? H2O है,
H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड है। हाइड्रोजन ऑक्साइड जब हम सूरज की रोशनी पड़ती है तो हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन जो है निकल के आता है, और पीपल जो है समाज को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कब देगा, जब हम उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, इसलिए उसको हमने पूजा से जोड़ दिया। अब महिलाएं उसमें पूजा करती। आप एक चीज़ और देखेंगे, पीपल को कोई भी चीज़ नहीं गिराता है, पीपल को एक दीमक मार जाता है, और ये दीमक कब लगता है, बरसात के सीजन में। तो औरतें जो है, हमारी महिलाएं बरसाती पूजा करती, सूत की रस्सी से जड़ को बांधती है जो उसमें दीमक ना घुसे। एक्चुअल बात यह है उसकी रक्षा हो। रक्षा तो हर एक चीज का हमारी संस्कृति में अद्भुत है। हमारी संस्कृति के अंदर जो विज्ञान है, उस विज्ञान को अब निकल निकल कर छन छन के आना शुरू हुआ, जिसकी कल्पना हजारों लाखों साल पूर्व कर दी गई। और जहां तक मैं आपको बताऊं, आज इस बात को आपके यहां देख रहा था मैं, सतयुग की यात्रा की ओर आपका एक पूरी योजना है। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये कोरोना आया, लोग अपने घर में कैद हुए, प्रकृति खिलकर बाहर निकली। प्रकृति ये बताना चाहती थी कि हे मानव, तुम ही इस प्रकृति के सबसे बड़े पोषक हो, और तुम ही इस प्रकृति के सबसे बड़े विनाशक भी हो। बिल्कुल। और तुम अपने घरों में बंद हो गए तो देखो, हम चहचहा उठे हैं, हम मुस्कुरा उठे हैं, चिड़ियां खिल रही हैं, और तुम फिर आओगे। इसका मतलब है, हम मानव जिसका पोषण करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, जिससे अपनी जीविका चलाते हैं, उसको नष्ट करने के सबसे बड़े कारक हम ही हैं। और जिस दिन हम ये बात समझ लिए, आप समझिए इस पृथ्वी पर हम दोबारा से सतयुग की ओर आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे। जीवन कुछ है नहीं, जीने और मरने के बीच की प्रक्रिया को हम जीवन कहते हैं। अब वो जीवन आप चोरी करके उस समय काट लो, डकैती करके काट लो, या एक मानवता का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ लो, तय यही है कि जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है, बाकी बीच का रास्ता है। आप अपने संस्कारों की लाठी अपने बच्चे को देते जाओ, वो दौड़ता जाएगा, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला रिले दौड़ है, जिंदगी चक्र है, चलता रहता है। संजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम जीवन दर्शन को समझे, यथार्थ समझे, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है वो आपका जीवन कहलाता है, और उसमें आप जैसा करेंगे वो चक्र फिर कंटिन्यू चलता रहता है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा बनेंगे, आगे भी अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर संजय जी ने जीवन दर्शन का शॉर्ट में अपनी भावनाएँ विचार साझा किया, और कोरोना काल की एक सुंदर बात उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति जो है अपने आप में संपन्न है, इवन प्रकृति भी, कुदरत भी बहुत संपन्न है, बस उसकी रिचनेस को बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा जो है संयम का पालन करना होगा। कई बार हमारा संयम टूट जाता है तो हम विनाश के कारागार में चले जाते हैं, और जो हमारी संसाधन है उन चीज़ों का विनाश कर देते हैं। और फिर जीने के लिए साधन तो चाहिए आपको, अगर आप संयम से रहेंगे तो जीवन भर आप जो है सुखद अनुभूति करते रहेंगे। इसलिए जियो और जीने देव का जो सुंदर जो स्लोगन है उसे बना के रखें, और आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसे बनाए रखें, उन्हें तकलीफ ना दें, है ना। आप घर बनाते हैं तो चार पेड़ अगर काटते हैं तो 10 पेड़ लगाइए फिर घर बनाइए, तो एक बैलेंस बना रहेगा। तो वो चीज़ें शायद हम भूल जाते हैं इस चकाचौंध में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। फिर से मैं संजय जी को जोड़ना चाहूँगा। संजय जी, वर्तमान में जिस तरह से हम लोग हमारी युवा साथियों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, तो एक तरफ हमारा लगता है कि हम लोग आसमान छू रहे हैं, हम चांद पे आ गए, लेकिन एक तरफ देखेंगे तो लगता है कि हमारे पास वो कुछ नहीं है जिसकी हमारी तलाश होनी है। मतलब एक चीज हम तलाश भी कर रहे हैं और वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं। तो ये जो एक थोड़ा सा गैप है, एक थोड़ा सा असमंजसता जो है, उसको कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, या उस गैप को कैसे समझें? देखिए, कोई मुझे कह रहा था कि जो ये रॉकेट छोड़ा गया, इसको इतने कर्तव्य ध्वनि के साथ मोदी जी ने क्यों दिखाने का प्रयास किया? मैं इसको समझता हूँ। जी जी, हमें समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। हम युवाओं को देखिए, एक युवा वो है भाई, साइंटिस्ट जो हेड हैं वो तो थे बुजुर्ग, बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ सैकड़ों युवा लगे थे जो इस कार्य में लगे। एक युवा वो है जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन, अपने ज्ञान के कुंज को परिवर्तित कर एक रॉकेट, एक लॉन्चर, एक सेटेलाइट, एक रोवर, ये सब बनाकर उसने चांद तक उतारा, अपनी परिकल्पनाओं को वहां तक पहुंचाया जी।
और एक युवा वो है जो चौराहों पर, सड़कों पर, रात के अंधेरों में ढूंढते हुए कहीं पर शराब पी रहा है, कहीं चोरी का प्लान कर रहा है, कहीं डकैती का प्लान कर रहा है। ये दोनों तरफ युवा है। मैंने आपको एक चीज़ अभी बताया था, जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु का यात्रा है, और हम अपने संस्कारों की लाठी जैसे देंगे अगले जनरेशन को, वो उसे लेकर उसी तीव्रता से जोर दौड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी जिंदगी की जीत यही है। ये परिवार का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। अपने बच्चों को दौलत की गर्मी में मत भटकाओ, अपने बच्चों को अपने व्यस्तता की वजह से उस उम्र में वासना की ओर मत घुमाओ। जो दिमाग अच्छा ज्ञान सोचता है वही दिमाग कुकृत्य भी सोचता है। जो हाथ विज्ञान को लेकर आगे चलता है वही हाथ कर्म कांडों को, दुष्कर्मों को करने में अंजाम देता है। वही हाथ, हाथ वही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये फर्क सिर्फ है सोच का, और सोच की लाठी, सोच का संस्कार उसका परिवार देता है, उसका खानदान देता है। और हमें जैसे कहते हैं ना कि जीवन में अगर कुछ कर सको या ना कर सको, लेकिन अपने बच्चों को अपने से श्रेष्ठ बना दिए तो हमें लगता है तुम्हारा जीवन का एक संकल्प, जो महत्वपूर्ण संकल्प है, वो पूरा हो गया। और अगर आप इस नीति पर काम करते हो, स्वयं कमाने पर, स्वयं वासना पर, स्वयं शराब में, स्वयं कई प्रकार की भ्रांतियों में आज से आप अपने आप को बचाते हो, तो आप तय मानो आपके बच्चे संस्कारी निकलेंगे, आपके बच्चे जिस रास्ते पे चलेंगे मजबूती से चलेंगे। परिवार शब्द का निर्माण इसी से हुआ है, और भारतीय संस्कृति में परिवार की जो मजबूती है, बाउंडेशन है, वो इसीलिए है कि यहाँ ये नियम नहीं कि 18 साल से ऊपर हो गया तब तू मेरा कोई नहीं। यहाँ संस्कार देने की, मुंह में अग्नि देने की पिता को दी जाती है, वो पुत्र देता है और पुत्री देती है। उसका कारण यही है कि हे पिता, तुमने इस मुख से जो भी ज्ञान मुझे दिया है, अब तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तुम शायद कुछ नहीं बोल पाओगे, इसलिए मैं इसे अग्नि में समाहित कर रही हूं, जिससे कि कल को अब हम उस जिम्मेदारी के साथ समाज को तुम्हारे मुख की वाणी को लेकर आगे बढ़ सके। यही उसका संस्कार होता है। इसलिए युवाओं को हमें निगेटिव निगाह से नहीं देखना चाहिए। हमें युवाओं के खेल प्रदर्शन, हमें युवाओं का ज्ञान प्रदर्शन, हमें युवाओं का विज्ञान प्रदर्शन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना चाहिए, जिससे कि युवाओं का जो सोच है वो उधर की ओर झुका रहेगा। ना कि हमें क्रिमिनल का गाथा गाना चाहिए, ना कि हमें इस तरह की चीज़ें यूट्यूब मीडिया इस पर कोई गलत सलत चीज़ें का प्रसारित करके दिखाना चाहिए, जिससे युवाओं की सोच उधर। देखिए, मोस्ट वर्सेटाइल होता है युवाओं का सोच, उसे हमें कैसे और किधर ले जाना है, ये हम और समाज, हमारा समाज परिवार पर निर्भर करता है, हमारी शासन पद्धति पर निर्भर करता है। और तीनों को मिलकर इस बात का संकल्प लेना चाहिए, अगर युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र विकास की ओर लग जाती है तो फिर राष्ट्र को विकसित होने में कोई देश, कोई आदमी रोक नहीं सकता है। सरकारें साफ करती है और हम थूकते हैं। हम थूकना छोड़ दें तो सफाई को हम कभी गाली नहीं देंगे। हम कूड़ा फेंकना छोड़ दें सड़कों पर तो हमें शहर स्वच्छ नजर आएगा। ऐसे ही हम मन के अंदर भ्रांतियां, मन के अंदर गंदगी को निकाल दें तो हमारा मन हमेशा स्वस्थ और एकदम स्वच्छ निर्मल गंगा की तरह नजर आएगा। तो आपको, आपका दिमाग में जैसा आएगा वैसा ही विकास की पटका था आप आगे भविष्य में लिखोगे। जी जी संजय जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया किस तरह से युवाओं को हमें दिशा देने की ज़रूरत है, उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगा देने से उनका जीवन जो है बेहतर बन सकता है, और उन्हें भारत की रिच संस्कृति जो है उसके बारे में बताना चाहिए, भारत की जो सुंदर सभ्यता है, जो संपन्न सभ्यता है, उसके बारे में बताना है। इसीलिए भारत में वैसे कहा जाता है पेड़ पत्ते और पत्थर को भी पूजा जाता है, तो इतनी बड़ी संस्कृति हमारी है, और जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की है, ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर बात करें और उन चीज़ों का दर्शन बच्चों को बताएं तो निश्चित तौर पे उनका जीवन जो है सकारात्मक, रचनात्मक बना रहेगा। और जैसे कि आपने कहा, कुछ युवा ऐसे हैं जो रचनात्मक कार्य में लगे हुए हैं और कुछ विध्वंस के कार्य में लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि अपने माता पिता को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चे को मैं किस जगह पे ले जाऊं, किस तरह से उसकी सोच को बदलूं। तो बात आती है सोच की, अगर बड़ी सोच हो, संपन्न सोच हो, सुंदर सोच हो तो वो काम करती हैं। तो हम सभी को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है आज के समय में, और जितना अच्छा आप अपने सोच को बनाएंगे, थिंक बिग कहा जाता है अंग्रेजी में, बड़ी सोच रखो, तो बड़ी सोच यानी भारत की सभ्यता
जो बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही शक्तिशाली है, उसे फिर से वापस एक बार याद कर लें और फिर उस और अपने कदम को बढ़ाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ संजय जी और शिव पूजन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कराते रहो। अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले समाया, तुम ही हो
किरणें